गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। स्पेशली आज के वीडियो में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज ये वाला वीडियो, इस टाइप का वीडियो, मतलब मैंने पहले कभी अपने चैनल पे इतना डिटेल स्किन केयर वीडियो बनाया नहीं है। एंड ये वीडियो बनाने का ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाते हुए ना, तो खुद भी अपना थोड़ा सा कुछ तो कर लूँ। शायद कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा, बट द कंडीशन ऑफ माई स्किन इज रियली रियली वेरी वेरी बैड। सो मैं वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगी और वॉइस ओवर में मैं आपको बताती चले जाऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस कर रही हूँ। बिल्कुल एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ नहीं करूंगी, मतलब सारी घर के जो भी हमारे हैंडी चीज़ें होती है उसी के साथ आज मैं बहुत डीप क्लिंजिंग स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ डेड सेल्स एंड व्हाट नॉट ऑन माय फेस। तो चलिए सबसे पहले हम क्लिंजिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज मिल्क। गाइस, मैं ये वीडियो ना बहुत ज्यादा कैंडिडली शूट करने वाली हूँ, बिल्कुल भी फैंसी नहीं रखना है इसको, सो दैट आई हैव प्लेस्ड माई कैमरा बिल्कुल मेरे मिरर के सामने, ताकि जो भी प्रोसीड्यूर्स मैं करूँ ना, मुझे ईजी हो, बार बार कैमरा को इधर उधर ना करना पड़े और आप लोगों को भी अच्छे से समझ आए और मुझे भी मिरर में समझ आए कि क्या हो रहा है। सो लेट्स जंप इनटू द क्लिंजिंग। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग प्लेन रॉ मिल्क, नॉट उबाला हुआ, प्लेन रॉ मिल्क। बहुत टाइम से, पुराने ज़माने से ही बेसिकली रॉ मिल्क का जो एक यूज़ है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, वो जाना माना है, हम सबको पता है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों? मिल्क के अंदर गाइस विटामिन ए, डी, B6 और पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह के बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे स्किन ब्राइटनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। एंड अगर आप एक बार यूज्ड हो जाते हो मिल्क के गुडनेस के साथ, तो आप इसे कभी नहीं छोड़ोगे। एंड आपको शायद पता होगा कि बहुत सारी जगहों पे मिल्क के साथ रोज़ वाटर का बाथ भी लिया जाता है, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लिया है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ फेस स्क्रबिंग। बहुत ही जेंटली मैं एक्सफोलिएट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लिया है और मैंने ऑलिव ऑयल मिक्स किया है। आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप चाहो तो यहाँ पे नारियल का तेल प्लेन वो भी यूज़ कर सकते हो। स्क्रबिंग के लिए हाथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं बहुत ही जेंटली अपने फेस को यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ। कॉफ़ी मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत हैंडी भी होता है, बहुत अच्छा होता है फेस क्लिंजिंग के लिए, एक्सफोलिएशन के लिए। और स्टीमर में मेरा गर्म पानी रेडी हो चुका है, हम फेस को स्टीम करेंगे। स्टीम के बहुत अपने अपने फ़ायदे हैं, ब्लैक हेड्स निकालता है, वाइट हेड्स निकालता है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को एक सूदिंग फीलिंग देता है, जो भी डर्ट है वो उस सबको निकालता है। तो इसके भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। पार्लर में भी आपने देखा होगा कि स्पा करने जाओ तो आप, तो वो बहुत ही अच्छे से आपको स्टीम प्रोवाइड करते हैं। स्टीमिंग के बाद बहुत ही फ्रेश फील करोगे, आप खुद ही फील कर सकोगे, इट विल फील सो सॉफ्ट एंड यू विल फील वेरी मच फ्रेश। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एक अच्छा सा ब्राइटनिंग मास्क। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कर्ड, उसके साथ थोड़ा सा मैंने टर्मरिक मिक्स किया है, आप चाहो तो रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो, हनी मिक्स कर सकते हो। और ये जो पैक है, अगर हफ्ते में 2 to 3 days भी लगाओगे ना, तो आपको खुद से पता चलेगा कि कितना स्किन ब्राइटन होता है और कितना खिलता है स्किन। ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी घर पर बना हुआ इन एक्सपेंसिव फेस ब्राइटनिंग मास्क है गाइस, इसका कोई तोड़ ही नहीं है अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। तो इस तरह से जैसे ही ड्राई फील होगा ना, उस तरह से आप उसको क्लीन कर लेना बहुत अच्छे से अपने फेस को, लाइक दिस। एंड उसके बाद आप कोई भी अपने पसंदीदा टोनर यूज़ कर सकते हो। मैं घर पे बना हुआ एक टोनर जो मैंने इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लिया था, उसे यूज़ कर रही हूँ। ये टोनर बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगता है, अगर आपको जानना है तो बताना, मैं आपको बना के बताऊँगी। ओके गाइस, लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, सब ताम झाम के बाद आप देख सकते हो आई एम रियली फीलिंग अ लॉट बेटर मॉइस्चराइज एंड एवरीथिंग, लाइक नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। ओके, सो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे फेस ऑयल बहुत पसंद है एंड इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इन यूजिंग फेस ऑयल इन दिस पर्टिकुलर सीजन, देन प्लीज़ गो फॉर इट, इट्स अमेजिंग। आई एम अ फैन ऑफ फेस ऑयल, बट राइट नाउ व्हाट आई एम यूजिंग इज दिस VLCC हनी मॉइस्चराइजर। अच्छा, बाय द वे, फेस क्लिंजर से लेकर फेस स्क्रब तक जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है और उसके जो भी ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, जो आप इजिली यू नो मार्केट से खरीद के ला के फटाफट
यूज कर सकते हो। इस तरह के कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप लोग पूछते रहते हो, और इसका भी अगर लिंक मिलेगा तो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। दिस इज VLCC हनी मॉइस्चराइजर नॉर्मल टू ड्राई स्किन फॉर स्मूथ एंड सपल स्किन, एंड दिस इज गाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है। एंड अगेन जो भी आपके पास हैंडी है और आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। एंड दिस लुक्स लाइक अ लिटिल पिंकिश लेकिन पता नहीं चल रहा है। एंड इसी के साथ मैं ये क्यूट सा वीडियो अगर आपको क्यूट लगा है तो खत्म करूंगी यहीं पे। एंड ये बहुत ज्यादा अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और खुशबू भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो या गाइज, आई होप आप लोगों को ये स्किन केयर वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड होने वाला है। जी हाँ, मैं शायद आप लोगों को हिंट भी दे देती हूँ, चलिए कुछ इस तरह का वीडियो करने वाली हूँ। सो चलिए मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इंजॉय, आई एम एंजॉयिंग दिस खूबसूरत सा स्मेल। आप भी अपने मॉइस्चराइजर का स्मेल एंजॉय कीजिए। बाय।